Today, we will start from the next exercise 3.5 trigonometrical functions. Metric functions from ML Agarwal for class plus one for IS. Now, we will start from the next formula. Tan x plus y plus z. Tan x plus y plus z. बड़ा सारा formula है ये. सर मैं बता दो. बता दो. Tan x plus tan y plus tan z minus tan x tan y tan z upon 1 minus tan x tan y minus tan y tan x. नहीं tan y tan z. टेन 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 कर रही है, घंटी बजा दी तूने तो. वो मैंने टेन टेन भी से पढ़ा था और ये एक्स वाई में आ गया. ओए ओए, चल कोई बात नहीं, कुछ भी आ सकता है ना. तेरे को आता था मैथ टेंथ का, सिर्फ तूने वही ए बी सी और एक्स वाई की गड़बड़ की है. शुभांगी, तूने फॉर्मूलाज एक्स वाई ए बी में कर ले और वहां पे एक्स वाई आ गया है ना. खराब हो गया. चल कोई बात नहीं, खराब होगा तभी तो जिंदल सर याद आएंगे, क्या नहीं? हाँ जी, याद होगा. टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टेन एक्स टेन वाई टेन जेड माइनस टेन एक्स टेन वाई टेन जेड मल्टीप्लाई तीनों में. नीचे बच्चे टू टू का वो लेना है हमें, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई टेन जेड टेन जेड टेन एक्स. ठीक है बच्चे, इसके बाद जो न्यू फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई. साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कोई बता सकता है किसके इक्वल होता है? मैं बता दूं सर, मैं बताऊं? अरे बता सर, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. हाँ जी, जैसे बच्चे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें मेथड से याद कर लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. ठीक है, मेथड इजी है ये. माइनस कॉस स्क्वायर वो भी कर सकते हैं एक्स. देख ले, ये आ गया. इसमें क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है इसमें भी, समझे? यहाँ दोनों साइन होते हैं बट कॉस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई नहीं होता, साइन स्क्वायर वाई होता है. ये भी याद रहेगा, बोलो. बताइए बच्चे. चलो अभी इन फॉर्मूलाज के बेस पे हम सम करते हैं. कर दें शुरू एक्सरसाइज 3.5. मैंने पिक भेजा हुआ है ना 3.5 का. बोलिए बच्चे. यस सर. जो पहले किए थे बेटा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, वो भी यूज होंगे. फर्स्ट का फर्स्ट सम है, कॉस 210 की वैल्यू फाइंड करें. तो वैष्णवी क्या लिखूं बेटा मैं इसको? वैष्णवी. यस सर. बताओ बच्चे क्या लिखूं बच्चे मैं इसको? यस सर. 210 को माइनस कर देंगे 180 से. मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या लिखूं, कॉस 210 को क्या लिखूं, ये पूछ रहा हूँ. 180 प्लस 30. हाँ 180 प्लस 30 लिख दिया, हम लिख दिया 180 आ रहा है तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा ना. यस सर. 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? माइनस नेगेटिव. माइनस कॉस 30 आ जाएगा.
यस सर, माइनस एज लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30? √3/2. √3/2. ये हमारा आंसर आ गया सर बस। हाँ सर इसमें मान लीजिए ऐसा कोई एंगल है जिसके हम वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पाए, फॉर एग्जाम्पल cos 55 आ गया तो। तो बच्चे वो टेबल दिया होगा हमें, टेबलेट लॉगबुक, वैसे नहीं निकाल सकते इसे वैसे कैसे निकालेगा? sin 5 की वैल्यू निकाल के दिखा या मतलब, sin 15 की कोई तो निकाल मैं के वही तो दिखा? मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई तो मेथड होगा। नहीं बच्चे, वही लॉगबुक को देंगे वो, उसमें से ही होगा। या कैलकुलेटर तो नहीं देते, मैथ के पेपर में नहीं देते, बाकी में दे देते हैं। सेकेंड पार्ट सिया sin 225 180 बोलो। प्लस sin 180 प्लस 45 क्या लिखी? माइनस आएगा ये क्या है? 180. तो साइन का साइन रहेगा sin 45। अब साइन हाँ देखना है, जी सर, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई थर्ड करता है? थर्ड थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव. sin 45 कितना होता है? 1/√2। दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट कर लोगे? फोर्थ पार्ट खुशी। यस नाम घर सर, वालों ने खुशी रख दिया पर रोती रहती है ये, है ना? नहीं सर, नहीं सर, हाँ रोती रहती है, फेस तो तेरा रोने वाला ही है, स्माइली फेस नहीं है। हाँ नहीं वैसी मैं वही कह रहा हूँ ना, फेस स्माइली नहीं है। खुशी 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 क्या कह के दुखी कर दिया इसको बेचारी। हाँ जी खुशी। sin 930 क्या लिखें? सर. 22/5 करके. क्या क्या साइन? यस सर, sin 2 × 2π. 2π का मतलब? सर 2π का मतलब 360 × 2 है और 360 लिख, यहां पे उन्होंने पाई की फॉर्म में नहीं दिया ना, सर. नहीं सर, तो इसकी फॉर्म में रख ले, नंबर की फॉर्म में। ठीक है, 2 × 360 यस सर, 720। हाँ बाकी कितना रह गया? 210 माइनस प्लस 210 सर. देखो 720 प्लस 210 930 होता है। अब ये यस 2 360 आ रहा है ना, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट में साइन 360 है तो साइन का साइन रहेगा, sin 210 आ जाएगा, समझे? सर, अब इसको यस वैसे ही, सर, इसको आगे सॉल्व करना है. हाँ हाँ 180 प्लस 30 ना, फिर 180 है, साइन का साइन रहेगा, sin 30 आ जाएगा। बट साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड। थर्ड में नेगेटिव होता है, -sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए बच्चे? लग गया पता? यस सर. सर नेक्स्ट वन। शुभांगी, फर्स्ट का 7th पार्ट 2 करवा। sin 19π/4। हाँ जी शुभांगी क्या लिखें इसको? सर, फोर पहले तो साइन 4π माइनस अपॉन 4 − 90. नहीं, गलत पक्का हो जाएगा. थे? क्या करते हैं हम इसको करते हैं 20π/4 माइनस π/4 कर दूं बेटा मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये हमारी 5th एक्सरसाइज है। ओके सर. हाँ जी बच्चे बताइए। तब तो आंसर 5π − π/4 आ जाएगा.
और गड़बड़ है ना फिर, यस सर। तो इसको इससे भी निकल जाएगा, बट ये रहने दो। फिर क्या करो, इसको 16π/4 प्लस 3π/4 ये लिख दूं? बोलिए बेटा, यस सर। ये कट गया 4π। 4π का मतलब साइन 2 × 2π ना, 2π का मतलब 360 आ गया। 360 है तो साइन, इस 2 को भूल जाओ, सिर्फ ये सोचिए चलो ये 2π+θ है। 2π का मतलब 360, 360 + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू साइन रहेगी, 3π/4 आ जाएगा। अब 3π/4 को क्या लिखें, इसको लिख देते हैं 4π/4 माइनस 5π/4। ठीक है बच्चे, अब तो ठीक है। अब यस सर। साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, व्हाट इज पाई? 180 180 - थीटा सर। 180 फर्स्ट माइनस क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाइफ करता है। यस देखो ये 180 है तो साइन का साइन रहेगा, सर। सिर्फ 90 और 270 पे साइन का कॉस बनता है ना। जब 180 या 360 आएगा तो साइन का साइन, पाई बाय फोर साइन क्या आएगा, प्लस के माइनस। प्लस हाँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन पाई बाय फोर का मतलब साइन 45, दैट इज 1/√2 इज आंसर। अब हमें कौन करे, सी अर्नब से तो पूछने का फायदा नहीं है ना अर्नब? क्या सर, तेरे से तो पूछने का फायदा नहीं है, तू तो बता ही क्यों? देगा, तूने तो बता ही देगा। पंच, ये मम्मी ने गालियां तो बहुत निकाली होंगी मुझे, सर ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं, 3 मार्क्स कट गए। नहीं सर, का पक्का ढंग से पढ़ाया होता तो 100 out of 100 आ जाते है ना। ना सर, मैं देखो ये कह रही थी कि इंग्लिश में कम आए और उसमें क्या कहते हैं SST में, क्योंकि हाँ मैंने घर पे आके बता दिया था कि मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अच्छा, मैं उसी दिन खा लिए थे डंडे। हाँ जी सर। चलो हाँ जी, चलो अर्नब बता इसको क्या कर, सर इसको कॉस -48 70 लिख सकते हैं। माइनस कॉस 870 लिख सकते हैं हाँ जी सर। अर्नब? तुमने सर डंडा कोई खाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। हाँ नहीं मैं पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप। फिर माइनस तो आएगा ही नहीं, अगर यस आपने सर। यहाँ पे माइनस डाल दिया तो आप ये सारे सम पे क्रॉस लग गया। सर इसका ऐसे नहीं कर सकते, बट इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देयरफॉर इट इज नहीं पॉजिटिव। जी, नहीं, नो। अच्छा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आप पहले उसको माइनस कॉस थीटा लिखते हो फिर बाद में माइनस साइन हटाते हो। सॉरी सर। कॉस माइनस थीटा दैट लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये कॉस 870 हो गया, प्लस का ही नॉट माइनस। अब कॉस 870 को क्या लिख सकता हूं मैं, सर 2 × 360 + 150। 360 आ रहा है तो कॉस का कॉस रहेगा, 150 वन फिफ्टी आएगा, और ये यस फर्स्ट सर, क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए पॉजिटिव सारे होगा। कॉस। अब इसको कॉस 180 - 30 कर सकते हैं। मैं नहीं करता यार, मैं तो ऐसे करूंगा। कर दीजिए सर। चाहे आप इसको 180 - 30 लिख दो, चाहे इसको 90 + 60 लिख दो। 90 आ रहा है तो कॉस का साइन बनेगा, यस सर, ये साइन सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में लाएंगे लाई तो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई सेकंड, कर तो रहा सर है। हाँ, साइन पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 60 आ जाएगा ना, यस सर। और √3/2 आएगा ना, हाँ जी सर। बट आंसर में तो माइनस दे रखा है बेटा।
गधे इसे कॉस से पहले मोटे, माइनस कॉस आएगा इसलिए। से पहले माइनस नहीं आएगा, ये 90+ थीटा है, 90 है तो उसका साइन बन गया, कॉस का साइन बन गया। तो इस साइन को इसको नहीं देखना, हमने इसको देखना है कॉस ये से भाई कॉस को 90 देखना है प्लस तो इसलिए माइनस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हाँ माइनस जी सर, साइन वही है। बताने वाला था। बताने वाला क्या था, सारा तो करवा दिया तूने। एमओ टू ओ तो पार्टी कहाँ दे रहा है अंदर? सर आप गाज दे बता दो फिर चलेंगे। ना ना, तेरी मम्मी ने बोला था बठिंडा आएंगे, रिजल्ट आ जाने दो। तो ओ सर अभी तो पापा भी घर पे नहीं है, आने की थोड़ी दिक्कत है। संडे को आ जाइए आप, सैटरडे संडे। क्यों मैं तो नहीं आ सकता क्यों यार, क्लास तो मुश्किल से लगा पा रहा हूँ मैं, पता है कितनी मुश्किल हो रही है मुझे। इलेक्शन है भैया, इलेक्शन, इलेक्शन ड्यूटी। हाँ जी, ये सम बहुत इजी है, दोनों कुछ भी नहीं है। 5/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू फिल करनी है, कॉस 60 की, टेन 45 की, वो स्क्वायर वगैरह हो जाएगा। नाउ दिस वन थर्ड सम, 10x+y, 10x दिया है, 10y दिया है। वैष्णवी यस सर, ओहो 10x+y का मैं फॉर्मूला भूल गया। वैष्णवी क्या था? वैष्णवी देखना, वो क्या फटाफट मतलब देख, पीछे देख लिया, ये पक्की बात है। सर? नहीं, वो बंद हो गई थी। हाँ क्या होता है 10x 10x+10y अपॉन 1 -10x10y। सारे घर वालों को मेरी आवाज सुनाई सुना रही है ना तू, है ना नहीं वैष्णवी? सर, नहीं सर, नहीं सुना रही? यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? ऊपर 12 कितना आएगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी वैष्णवी? 8+9। नाइन 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 2 -1 में सीधा कर रहा हूँ अपॉन 2, ठीक है, शॉर्टकट में। 12 -6 भी कर सकते थे, वो आप पे डिपेंड है। अब 8+9 17, नीचे 12, 2 -1 1, 2 पर चला गया 6। व्हाट वी गेट, 17/6 इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? यस सर। चलो एक काम करना, आप ये सम कहां तक करके रखोगे? 6 सम तक के, 6 सम तक ही कर लो, 6 सम तक कर लोगे बेटा? देखो फोर्थ सम में है, वही सेम साइन माइनस में आ गया, इसको 360+, इसको भी ऐसे 360+ समथिंग में चेंज करेंगे। थीटा की वैल्यू 100 डिटरमिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन फाइंड करना है सिर्फ उसका। प्रूव दैट दिस सर, वो बिगड़ वाला कैसे होगा? विच इज बिगड़, sin 55 और cos 55? वो सोचो, खुद सोचो, अपने आप ढूंढो, ओके सर, क्या करोगे? साइन कॉस फिफ्टी थीटा फाइव में को, बदलेंगे। हाँ साइन में चेंज करते, साइन 45 आ जाएगा ना, सॉरी 35 आ जाए, बोलो साइन 35 आएगा ना, 90 माइनस थीटा। यस सर, यस सर। बस फिर साइन में दोनों कन्वर्ट हो गए, अब देखना कौन सा बिगर होता है। अंडरस्टूड? यस सर। सॉरी
ये बच्चे कॉट ए कॉट ए रहेगा, टेन पाई प्लस ए 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, 180 है इसलिए टेन का टेन रहेगा, कॉट ए प्लस टेन ही आ जाएगा, ये 90 आ रहा है तो टेन का कॉट बनेगा, कॉट कितना ए, बट 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉट ए आएगा, कट जाएगा, टेन 2 पाई माइनस ए थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे माइनस टेन ही आ जाएगा, यहाँ प्लस टेन ही आएगा, यहाँ माइनस टेन, नहीं माइनस टेन यहाँ से माइनस टेन ही आ रहा था, नहीं यहाँ प्लस टेन आ रहा था, ये माइनस टेन आएगा, दोनों कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऐसे बच्चे सारे इसको कन्वर्ट करना है, 6 पाई अपॉन 6 माइनस 5 बाई 6 ऐसे कर लेना, ऐसे में भी बच्चे सही कट कैसे सबको हो जाएगा? हाँ मोटे, ये कॉटे है, जी, इसका क्या बनेगा, टेन ए इसका क्या बनेगा, -10 ए। कॉटे हाँ अच्छा, सॉरी 90 है ये, सॉरी सॉरी, माइनस कॉटे, माइनस कॉटे और प्लस कॉटे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाँ जी टेन हाँ ही जी हाँ आया, जी ये सर, हो माइनस जाएगा टेन हो ही हो जाएगा हो जाएगा, जाएगा। यहाँ तक करके रखोगे फर्स्ट एग्जाम्स, बोलो करोगे, हाँ जी सर, यस सर, चलो इतना ही आना था आज के लिए, ये करना, ठीक है, ओके डाला, बाय बाय।